उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में एक छात्रा ने अपनी किडनैपिंग की झूठी कहानी रचकर पुलिस और परिवार वालों को सख्ते में डाल दिया। पहले छात्रा ने अपनी किडनैपिंग की कहानी रची, फिर इसके बाद खुद ही थाने में दी तहरीर। छात्रा को पड़ोस में रहने वाला एक लड़का पसंद था, वह उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वाले उस लड़के को पसंद नहीं करते थे। इसलिए उसने ऐसी कहानी रची कि जब उसका खुलासा हुआ तो परिवार और पुलिस के लोग भी हैरान रह गए। मेरठ में अपहरण का ऐसा मामला सामने आया है कि जब पुलिस ने मामले का खुलासा किया तो सबका दिमाग ठनक गया। मेरठ में एक छात्रा ने अपनी किडनैपिंग की झूठी कहानी रचकर पुलिस और परिवार वालों को सख्ते में डाल दिया। पहले छात्रा ने अपनी किडनैपिंग की कहानी रची, फिर इसके बाद खुद थाने में तहरीर दे दी। दिन दहाड़े हुए अपहरण की वारदात का खुलासा करने के लिए पुलिस ने जब पड़ताल शुरू की तो सारी हकीकत सामने आती चली गई। छात्रा ने किडनैपिंग की जो कहानी गढ़ी उसमें उसके पिता ने तहरीर पुलिस को दी। उसके पिता ने तहरीर में जो लिखा उसका मजमून यह है कि मेरी बेटी घर से ट्यूशन पढ़ने शहर के माधोपुरम जाती है। तहरीर में जिक्र किया गया कि 16 दिसंबर को वो ट्यूशन के लिए निकली थी। जैसे ही वहाँ वो ITI के करीब मंदिर के पास पहुँची तो एक काले रंग की बाइक पर दो लड़के और ई रिक्शा में सवार करीब 5 बदमाशों ने उसे खींच लिया। इसके बाद वह उससे ले जाने लगे। जब वह चौक पर पहुंचे तो जाम लग गया। जाम का फायदा उठाकर मेरी बेटी ने शोर मचाया तो वह बदमाश भाग गए। फिर मेरी बेटी घर आ गई। उसने बताया कि पापा मुझे 7 गुंडों ने चाकू की नोक पर किडनैप कर पुलिस ने तहरीर के आधार पर जब जांच की तो सबसे पहले CCTV फुटेज खंगाले। लेकिन पुलिस को जो समय बताया गया था उस दौरान ऐसी कोई घटना पुलिस को उन रास्तों पर CCTV फुटेज में नहीं मिली। इस दौरान पुलिस ने छात्रा से जब सख्ती से पूछताछ की तो फिर मामले की कलाई खुल गई। असल में छात्रा को सौरभ नाम के एक लड़के से प्रेम था। वह उसके साथ भागकर शादी करना चाहती थी। वह उसके साथ पूरी तैयारी के साथ भागने की तैयारी कर ई रिक्शा से जा रही थी। इस दौरान किसी पहचान वाले ने उसको जाते हुए देख लिया। छात्रा को लगा कि भागने के बाद वो शख्स घर पर यह बता देगा कि वह सौरभ के साथ भागी है, तो उसने यह कहानी रची। छात्रा ने बताया कि उसके प्रेमी का नाम सौरभ है। वो पिछले 4 साल से उससे प्रेम करती है, लेकिन छात्रा के घर वाले उसे पसंद नहीं करते, इसलिए उसने यह सब कहानी रची थी। प्रथम TV News इंडिया के लिए विशाल सिंघल की रिपोर्ट।